कहते क्या है हम तुम्हारा? कौन है, कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। मेरे पास बता ना, कहीं प्यार न हो जाए। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। तो फिर क्या है? हमेशा हमेशा के लिए पास रखने की चीज हूँ। क्या राधे श्याम में प्रभास और पूजा हेगड़े कुछ अलग ही तरह का प्यार दिखाने वाले हैं? क्या होते हैं हमारे देश में प्यार के प्रकार? आप किस कैटेगरी में आते हो? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। हाल ही में राधे श्याम का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, वाकई काबिले तारीफ है। एक रहस्यमय दिखने वाले जंगल के बीच से शुरू होता है ये, और जहाँ बीच में एक बस सिंगल सी ट्रेन ट्रैक दिखता है, इसमें रोमियो जूलियट, लैला मजनू, देवदास पार्वती और आखिर में राधे श्याम की लव स्टोरी की झलक दिखाई जाती है। राधा कृष्ण कुमार इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। प्रभास, पूजा हेगड़े के अलावा बहुत सारे कलाकार नजर आने वाले हैं। सचिन खेड़ेकर, भाग्यश्री, प्रियदर्शी, मुरली शर्मा, साशा शेत्री, बहुत सारे लोग हैं, तो बड़ा मजा आने वाला है। और जिस तरह से ये मोशन पोस्टर है और म्यूजिक है, वो वाकई दिल छूने वाला है। राधे श्याम यूरोप में स्थापित एक महाकाव्यात्मक प्रेम की कहानी है। वर्तमान में प्रभास और पूजा हेगड़े इसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे देश में बात करें तो आपके आसपास हमें कई तरह के लोग मिलते हैं और कई तरह की प्रेम कहानियां मिलती है। कई तरह के अलग अलग टाइप होते हैं, लोगों का प्यार करने का तरीका अलग अलग होता है, तो उन कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। आप किस कैटेगरी के हैं ये ज़रूर बताइएगा। पहले वो होते हैं जो खिलाड़ी टाइप होते हैं, ये बाहें फैलाकर हमेशा तैयार खड़े रहते हैं कि कोई आए और इन्हें गले लगाए, अपने प्यार या अपने अफेयर के बारे में लोगों के सामने बड़ा चढ़ाकर बोलना इनका फेवरेट होता है। फिर आती है दूसरी कैटेगरी के लोग, उम्मीदों से भरे लोग होते हैं ये। इनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है और हमेशा कुर्सियों के किनारे पर बैठे अपने साथी का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर आती है तीसरी कैटेगरी, जो होते हैं भैया हम शादी करेंगे और सीधा सेटल होंगे, इन्हें प्यार और अफेयर जैसे शब्दों से ज्यादा मतलब नहीं होता, ये सीधा शादी वाले होते हैं कि हम तो शादी करेंगे, सेटल होंगे, आराम की जिंदगी जिएंगे। ये अलग ही होते हैं, ये अपने ख्यालों में खोए होते हैं, इन लोगों की अलग ही दुनिया होती है। कुछ के लिए प्यार ही सब कुछ होता है, तो कुछ के लिए प्यार एक जिम्मेदारी भी होती है, और कुछ तो प्यार को बोझ समझते हैं। वैसे आप किस कैटेगरी के हैं जरूर बताना। इतने के बाद भी क्या हम प्यार की सही परिभाषा जानते हैं, ये बड़ा सवाल हो जाता है। हमारे यहाँ प्यार का इजहार खुलेआम नहीं करने की प्रथा है। भाई अपनी बहन को पब्लिकली गले नहीं लगा सकता, पति अपनी पत्नी को या बाप अपनी बेटी को आई लव यू कहना तो दूर, ये सब चीजें दूर ही होती है, चूमना तो फिर बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ प्यार एक ऐसा शब्द है जिसे हम सात पर्दों के अंदर छुपाकर रखने में ही सहज महसूस करते हैं। हालांकि अब माहौल थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा लोग खुल रहे हैं और खुल के अपना प्यार का इजहार भी कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए। लेकिन प्यार की आस में बैठे लोगों के लिए इंतजार की घड़ियां चाहे कितनी भी लंबी हो, क्यों ना हो, मुस्तैदी से प्यार पाने के इंतजार में वो हमेशा बैठे रहते हैं। कुछ लोगों को प्यार मिल भी जाता है और कुछ लोगों को नहीं भी मिलता। ऐसा बहुत कम होता है कि जैसा प्यार हमें चाहिए वैसा मिल जाए, तो उम्मीदें थोड़ी थोड़ी कम कम रखें और खुल के प्यार करना सीखें, आपका प्यार जरूर मिलेगा। आप प्यार की किस परिभाषा से संतुष्ट है, आपकी नज़र में प्यार क्या है, ज़रूर बताइएगा। और राधे श्याम में आपको प्यार की कहानी जो अलग ही तरह की होने वाली है, उसे देखने का कितना इंतज़ार है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए अपनी राय। और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।